हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार, आदाब, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर हूं और आज मेरे साथ अहमदाबाद से वरिष्ठ पत्रकार दीपल त्रिवेदी। शी इज द एडिटर ऑफ अहमदाबाद मिरर विच इज पार्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप और वरिष्ठ पत्रकार है। दीपल जी, धन्यवाद, आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को आपका समय दिया। 19 मई आपका अखबार में विपुल राजपूत ने एक लेख प्रकाश किया, जो आपने प्रकाश किया और ये एक तरह से तहलका मचा दिया, हलचल हो गया कि गुजरात सरकार ने 900 फेक या जाली वेंटिलेटर, वो सचमुच वेंटिलेटर भी नहीं कहेंगे, लोग कहते हैं इसको एम्बू, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, ये वेंटिलेटर का नाम में इन्होंने खरीद लिया गुजरात सरकार के माध्यम से और इसमें 2030 सो कॉल्ड वेंटिलेटर ये अहमदाबाद सिविल अस्पताल में है। और हमें लगता है ये बहुत बड़ा एक घोटाला है कि क्योंकि ये एक व्यक्ति के ऊपर इसका ट्रायल हुआ जो सरकारी लाइसेंस का जरूरत है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वहां से नहीं मिला, और साथ साथ जो एक मेडिकल डिवाइसेस रूल्स जो 2017 का जो एक तरह से अधिनियम है, इसमें भी लिखा है एक समिति गठन करना चाहिए, एक नीतिगत समिति, एक एथिकल कमिटी होना चाहिए, ये भी इन्होंने ही नहीं किया। और सबसे आश्चर्य बात है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी और उनका जो डेप्यूटी है, उन्होंने भी सब उसी दिन उसी समय, नितिन पटेल जी, विजय रूपाणी जी, वो गांधीनगर छोड़ के पहला बार अहमदाबाद में आया उद्घाटन करने के लिए ये ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के लिमिटेड। तो हमें लग रहा है ये बहुत बड़ा एक घोटाला है और आम आदमी और आम जो नागरिक है गुजरात की और सबसे जो मरीज है, जो कोविड का मरीज है, इसके ऊपर एक तरह से धोखा, गुजरात सरकार ने धोखा दिया। इस विषय के ऊपर आप कुछ कहिए, उसके बाद मेरा बहुत सारे सवाल है, उसके बाद मैं करूँगा आपसे। शुक्रिया परंजॉय जी, मुझे आपके कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए। आपने जो ये बात बताई वेंटिलेटर्स की, ये बिल्कुल सही है। ये हमारी एक टीम है जिसमें आलोक ब्रह्मभट्ट, ब्रेंडन डाबी और विपुल राजपूत ये स्टोरी फॉलोअप कर रहे थे और जब हमें पता चला कि ये इनका ये मशीन का नाम धमन है, धमन वन, तो हम इनकी इस ये स्टोरी का फॉलोअप कर रहे थे, तभी हमें ये खबर मिली कि इसमें कुछ गड़बड़ है। फिर हमारी स्टोरी को ज्यादा थ्रस्ट, ज्यादा प्रेशर तभी हमको मिला जब ये हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल जो एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटलों में से एक गिनी जाती है, 1200 बेड की ये अस्पताल है गुजरात में, सबसे बड़ा गुजरात में ये अस्पताल, सबसे बड़ा अस्पताल, हाँ गुजरात में सबसे बड़ा अस्पताल तो है ही, पर साथ ही ये एशिया के भी गवर्नमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सर्विसेज में बड़ा गिनाई जाता है ये अस्पताल, और इधर काफी लोग स्टेट्स के लोग आते हैं। तो ये अस्पताल के अधीक्षक ने एक पत्र लिखा कि ये कब हुआ कि ये जब इन्होंने लॉन्च किया उनके थोड़े दिन के बाद, ये अधीक्षक ने पत्र लिखा कि ये जो आपने हमें दिए हैं मशीन्स, वो जो हम COVID-19 पेशेंट्स पर लगा रहे हैं, तो इन ये मशीन से कुछ फायदा हो नहीं रहा है। फिर हमने कई डॉक्टर्स से बात की, उन्होंने बोला वेंटिलेटर ये है ही नहीं, ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत गुड लुकिंग, बहुत
मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ, पर एक ये मेकेनाइज्ड एम्बो बैग टाइप है, और एम्बो बैग से भी ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कितना आता है वो कंट्रोलिंग जो की है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन का इनकमिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये लेटर में डॉक्टर्स ने तो इतना ही लिखा कि ये डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, तो आप इमीडिएटली हमको तुरंत 100 वेंटिलेटर्स सप्लाई कीजिए हमारे लिए, और जो कैंपस में किडनी हॉस्पिटल है 50-50 वेंटिलेटर की इन्होंने डिमांड की। तभी हमने ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये पता चला। फिर हमने गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी ने जो ये लॉन्च किया था ये मशीन्स, तो हमने देखा तो उन्होंने तो वेंटिलेटर ही बोला है। फिर जब हमने पूछा उनके ऑफिस में तो बोला ऐसा कुछ है नहीं। तो हमने फिर डिग आउट करके उनका, उन्होंने उस दिन हमने देखा वीडियो तो रिलीज किया नहीं था गवर्नमेंट का, पर प्रेस नोट इश्यू की थी, उसमें कम से कम 12 से 14 बार गुजराती और अंग्रेजी दोनों में ये प्रेस नोट इश्यू की गई थी, उन्होंने वेंटिलेटर ही बोला। फिर जब डॉक्टर्स ने इश्यूज उठाने शुरू किए तब तक हमारी स्टोरीज आ गई थी, और ये स्टोरी ने नेशनल और इंटरनेशनल अटेंशन गेन किया। हाँ, मैं आपको तारीफ करना चाहता हूँ कि इतने बड़ा खबर आपने, आपके टीम, खोजी जो पत्रकार है, आपने सबके सामने सार्वजनिक मंच में रखा। तो 18 में सोमवार का दिन, जिस दिन अस्पताल में, अहमदाबाद सिविल अस्पताल में ये जो इक्विपमेंट है, ये आप जैसे ठीक ही कहा, ये वेंटिलेटर नहीं है, ये एम्बू बैग है। एम्बू का मतलब है AMBU, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। तो इसका जब डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, वहीं पे आपका मुख्यमंत्री जी थे और उसके साथ आपका उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी CM नितिन पटेल जी से, और उस समय जब डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे, आपका जो पत्रकार है विपुल राजपूत जी, उन्होंने सवाल उठाया कि ज्योति CNC ऑटोमेशन लिमिटेड का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वो पराक्रम सिंह जडेजा जी, जो राजकोट के, वो कंपनी है राजकोट के रहने वाला है, उन्होंने कुछ सवाल उठाया, और आपका अहमदाबाद मिरर में ये प्रकाश किया कि तुरंत उसके हाथ से उनका माइक्रोफोन निकाल गया, और ये डॉक्टर MM प्रभाकर, जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है जो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में, और जहां पे 230 ऐसे जाली वेंटिलेटर दिया। तो इस समय हम तो आपका पत्रकार विपुल जी को मालूम पड़ा जी कुछ इसमें कुछ गड़बड़ है, और आप जैसे कहा गुजरात सरकार बार बार तारीफ कर रहे, और ये भी लिखा है ये नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया का जो स्वप्न है ये एक ग्लोरियस अचीवमेंट है, और ये धमन एक बोल रहे कि सिर्फ 10 दिन में तैयार किया, और एक मशीन का 1 लाख रुपया भी नहीं है इसका बनाने का खर्चा। तो बहुत ही दुख का बात है कि इस तरह से कोविड का मरीज और आम आदमी को इस तरह से धोखा दिया गुजरात सरकार के, और इसमें गुजरात सरकार कुछ नहीं किया अभी तक, एक्शन किसी को खिलाफ नहीं लिया। I will want to correct you, ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन जिसमें विपुल राजपूत जी गए हुए थे, वो हमारी स्टोरी पब्लिश हुई उसके बाद एक डॉक्टर्स के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन रखा था कि आप ये स्टोरीज से कैरिड अवे मत हो जाइए, और एक स्पेशल डिमॉन्स्ट्रेशन रखा था ये हमारी स्टोरी आने के बाद, ये लॉन्च के टाइम नहीं रखा था। अच्छा, सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। ओके, ओके, थैंक यू। सो तभी हमें, यस, तभी हमारे रिपोर्टर जो उधर हाजिर थे, विपुल राजपूत जी ने प्रश्न, हमारे वो कंट्रीब्यूटर, हमारे कंट्रीब्यूटर ने प्रश्न उठाए थे, पर और ये वी फाइंड दिस पराक्रम सिंह जाडेजा वेरी फॉर्थकमिंग एंड अ डिसेंट मैन, और वो आंसर करने के लिए तैयार थे, पर तभी उनको बोलने नहीं दिया गया। और ये आपकी बात बिल्कुल ऑन द पॉइंट है कि उनसे, उनके हाथ से माइक्रोफोन ले लिया जो अभी अभी OSD बने हैं,
और ये भी हमारी स्टोरी आने के बाद ओएसडी की अपॉइंटमेंट हुई है, तो उन और वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और मीडिया सेवी और सब कुछ माने जाते हैं, उन्होंने उन्होंने नहीं बोलने दिया। पर हमारे पास पहले का एक कोट है, ये पराक्रम सिंह जाडेजा जी का, जो उसमें वो कोट में उन्होंने हमको बताया कि मैंने तो गवर्नमेंट को बोला है कि ये वेंटिलेटर नहीं है, मैं दमन 1, 2, 3 लॉन्च करने वाला हूँ, ये दमन 1 वेंटिलेटर नहीं है। ऐसा हमने हमको पराक्रम सिंह जाडेजा, जो खुद राजकोट के निवासी है और हमारे मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी भी राजकोट के निवासी है, उन्होंने ये बताया था हमको। तो दीपल जी, आपका लेख में हमें ये पता चला कि ये जो दमन वन में ह्यूमिडिफायर नहीं है, कंडेंसर नहीं है, जो मास्क होना चाहिए वो भी नहीं है, और सबसे लोग आश्चर्य हो गए थे कि जयंती रवि जी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गुजरात सरकार में, बोला हाँ एक गुजरात का एक राज्य सरकार सर्टिफाई किया, एक लैब में इन्होंने दे दिया और ये सारे डोनेशन मिला। तो ये सब आपका रिपोर्ट में आने के बाद, और जहां पे जडेजा जी खुद मान लिया कि एक ही व्यक्ति के ऊपर इसका परीक्षा टेस्ट लिया है, उन्होंने ये भी मान लिया कि हमने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से हमने लाइसेंस नहीं लिया, ये सब उन्होंने मान लिया, फिर भी जब ये हलचल लेकर हल्का मचा दिया, और कांग्रेस जो विरोधी दल है वो बोला एक जुडिशियल इंक्वायरी का जरूरत है, और पुडुचेरी का मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी जी ने कि हमें ये नहीं चाहिए, पूरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, जिग्नेश मेवानी जी बोला कि जनता के ऊपर धोखा ले लिया, तो सरकार का क्या रिएक्शन, सरकार ने क्या जवाब दिया जब लोग ये सब कहने लगा। और जैसे हम पीटीआई में पढ़ रहे थे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 18 में, डॉक्टर शैलेश शाह जो आपका जो वो जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के जो हेड है अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला कि हमारा भाग्य अच्छा है कि हमने एक दो लोग के ऊपर ये इस्तेमाल किया, luckily we used it only on a few occasions because we are not getting any results। और ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, आज हमारे देश में, गुजरात में, अहमदाबाद में और बड़ी जगह में वेंटिलेटर का बहुत बड़ा शॉर्टेज चल रहा है, एक कमियां चल रहा है। तो इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं, सरकार का क्या रिएक्शन यह था? मुझे ये अपेक्षा थी मेरे सरकार से, गुजरात में विजय रूपानी जी की सरकार से, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट हमें मिलेगा अ पैट ऑन आर बैक कि हमने बहुत ज्यादा नुकसान होने से पहले ये इन्वेस्टिगेशन किया और पब्लिक में रखा। पर अनफॉर्चुनेटली इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ पैट ऑन आर बैक, वी वर इनडायरेक्टली सॉर्ट ऑफ कॉर्नर्ड। प्लस ताज्जुब की बात यह है कि 26 अप्रैल आज जो एक महीना हो गया, 26 अप्रैल से आपने जिनका मेंशन किया, हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ मिसेस जयंती रवि का मीडिया इंटरैक्शन बंद था फ्रॉम 26 अप्रैल, बट शी केम आउट after our story to defend the government, to defend the so-called ventilators, and gave an 88 minute ka press interaction kiya unhone. To isi se, you know, hume sikhaya gaya hai ki the best badge of honor for a story is a good denial from the stakeholders, but they could not give us any evidence. Ab aapne bahut acha baat kiya कि देखिए, आपने स्टोरी करने के बाद और भी लोग ऐसे स्टोरी किया, रोहिणी सिंह वायर में 21 मई को भी ये भी लिखा है। हमें अभी ये सवाल हमें मालूम नहीं है कि ये जो गुजरात सरकार ने 5,000 सो कॉल्ड वेंटिलेटर जो खरीदा, और ये एक सरकारी कंपनी, सरकारी संस्था HLL लाइफ केयर, ये पैसा कहां से आया? क्योंकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था कि हमारे देश में वेंटिलेटर का शॉर्टेज है और वो जो फंड तैयार किया पीएम केयर्स का मतलब है सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 2000 करोड़ रुपया खर्चा होगा, 50,000 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स खरीद देंगे। मगर किस तरह से आप इक्विपमेंट खरीद लेंगे, ये पैसा कहां से आया, यही सवाल उठता है। और हम तो बहुत ही आश्चर्य हो गए कि एक दो जगह में ये पूरा भारतवर्ष में हर अखबार में हर टीवी चैनल इस विषय के ऊपर चर्चा करना चाहिए था, मगर कितने कम लोग कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है परांजय जी, ये बात सही है। ये गुजरात सरकार ने 5,000 नहीं खरीदे हैं, ये HLL जो नेशनल कंपनी है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स। फिल सेक्रेटरी हेल्थ मिसेस जयंती रवि ब्रीफ्ड अस कि महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र में किसी ने लिए है, तभी पांडिचेरी में लिए थे, और केरला ने HLL थ्रू ऑर्डर किए 5,000 मशीन। मैं ये कहना चाहूंगी कि फिर हमें पता चला कि महाराष्ट्र ने भी ये खरीदा नहीं है, ये किसी ने, वो कौन है बायर मुझे नहीं पता है, पर 25 वेंटिलेटर ज्योति CNC ऑटोमेशन ने उनको बेचे हैं और वो महाराष्ट्र को डोनेट कर रहे हैं। मतलब दिस इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ placing these machines, so-called ventilators, और हमारे केस में ये डोनेट आ रहा है, yes, they have donated this 1,000 ventilators, और first they said 1,000, now they are saying 866 ventilators in Gujarat, थोड़े weeks में कम हो गए थोड़े ventilators, पर ये जो donate किए हैं, वो जो mandatory CSR होता है, उसके अंदर दिए गए हुए हैं। और CSR तो मैंडेटरी होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। तो दीपल जी, हम पढ़ रहे थे एक ट्वीट जो एक BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का एक पत्रकार, आपके पत्रकार मित्र है रॉक्सी गागडेकर, उनका अपना जीजाजी का मृत्यु हो गए थे अहमदाबाद सिविल अस्पताल में, और उन्होंने सवाल उठाया कि वो सचमुच उनको के ये धमान वन के ऊपर किसी ने दिया, और ये भी उनको भी जवाब अभी तक नहीं मिला। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगी कि रॉक्सी गागडेकर जो बीबीसी के रिप्रेजेंटेटिव है गुजरात के, वो हमारे गुजरात के सीनियर पत्रकार है, बहुत वरिष्ठ है, और उनके जो जीजाजी, उनका नाम उमेश था और वो सिर्फ 45 ईयर्स ओल्ड के थे, और उनको जो सिविल में रखा गया और उनकी डेथ हो गई, तो रॉक्सी ने फाइल किया है, रॉक्सी ने पुलिस को अप्रोच किया। आज ये बात को कम से कम 10-12 दिन हो गए, रॉक्सी की, ये रॉक्सी मीडिया का और बीबीसी जैसी मल्टीनेशनल कंपनी रिप्रेजेंट करता है मीडिया की, रॉक्सी का FIR नहीं लिया जा रहा है, उसकी सिर्फ एप्लीकेशन ली गई है शाहीबाग पुलिस स्टेशन में। रॉक्सी अभी भी फाइट कर रहा है कि मेरी एप्लीकेशन को FIR में कन्वर्ट करो, क्योंकि मेरा, मेरे जीजाजी की ऐसी मृत्यु हो गई, मेरे जान, मुझे जानने का हक है कि उनको कौन सी वेंटिलेटर, ये फेक वेंटिलेटर कि रियल वेंटिलेटर पे थे, इसका कुछ आंसर नहीं मिला है, उसकी FIR भी नहीं ली गई है, और साथ में ही सिविल हॉस्पिटल से उनका मोबाइल, उनकी घड़ी सब चोरी भी हो गया है, डेड बॉडीज से बहुत कुछ सिविल हॉस्पिटल में चोरी हो जाता है। पर जब एक इतने वरिष्ठ पत्रकार की, वो भी बीबीसी के, उनकी जब पुलिस कंप्लेन नहीं ली जाए, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करता कोई आम जनता, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकता। इतना दुर्भाग्य एक स्थिति है गुजरात में, और आप बड़े बड़े बात करते हैं गुजरात मॉडल की। आप पहला बार गांधीनगर छोड़ के आप अहमदाबाद आए हैं मुख्यमंत्री जी, ये मशीन का इनॉगरेशन, दैट वाज द ओनली टाइम, परंजय जी, दैट वाज द ओनली टाइम
56 डेज में कि गुजरात चीफ मिनिस्टर अपनी सिटाडेल से बाहर निकले थे और सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद आए. दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन 56 डेज टू लॉन्च दिस राजकोट निवासी पराक्रम सिंह जाडेजाज मशीन्स. नंबर वन, आपने बोला यू आर एंग्री. मैं तो एंग्री भी हूं, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं और मैं बहुत स्केयर्ड भी हूं, क्योंकि अभी वेंटिलेटर रिपोर्ट टेस्टिंग कितनी कम हो रही है. इतने लोग वेंटिलेटर पर जा रहे हैं, कई लोग मर भी रहे हैं उनका कोविड का रिपोर्ट. इस विषय के ऊपर आपसे एक दो सवाल और पूछूंगा, मगर मैं जब रोहिणी सिंह का लेख पढ़ रहा था वायर में, लिखा था ये ज्योति सीएनसी जो कंपनी है, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड राजकोट का कंपनी, एक समय ये कंपनी में शेयर था वीरानी परिवार की, सूरत का जो जो डायमंड मर्चेंट्स है, जो हीरे का कारोबार करते हैं, रमेश कुमार भीकाभाई वीरानी, जो मोदी जी को वो लाखों रुपए का एक सूट दिया था जिसमें उनका नाम लिखा था, जो पर के वो गणतंत्र दिवस में 2015 में आपका बराक ओबामा उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति जब आए थे, और ये सब के बाद उसका कहते हैं हमारा छोटा भाई को मैंने उपहार दिया, और बाद में तो नीलाम कर दिया था, मगर उस समय तो बहुत हलचल मच गया था और राहुल गांधी बोला ये सूट बूट का सरकार है. मगर ये लगता है कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आप पूंजीपति है, तो सरकार वो जो चाहते हैं वही करेंगे. इस दिस अनफॉर्चुनेटली यही कि गुजरात मॉडल है कि ये क्रोनी पूंजीवाद है कि जो आज जो सत्ते में है उनके साथ है, वो पैसे वाले हैं, उनको उपहार देते हैं. इस विषय के आप दो चार बात कीजिए और इसके बाद एक और सवाल है मेरा, और वो मेरा आखिरी सवाल होगा. As you rightly pointed out, you know, I have gone through what Rohini has written. It is a beautiful and a very commendable story at the right time. And yes, ये हकीकत है. और ये और भी इसमें है कि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कई एनजीओस चल रहे हैं, उसमें जिसमें पराक्रम सिंह जाडेजा और एक मुकेश शेख करके एक आदमी है, जो जिनका रिसेंट पास्ट में लिखा गया है उनके कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है गुजरात गवर्नमेंट के साथ, राजकोट के ही है वो. वो शेख परिवार भी इसमें कोई एनजीओज में इन्वॉल्व है, नंबर वन. नंबर टू, ये जो आपने बोला वीरानी फैमिली, जिनको मालदार फैमिली से जाना जाता है, मालदार फैमिली और उनकी प्रॉक्सिमिटी, ये सूट गिफ्टिंग, उनका ये शेयर में स्टेक होल्डर रहना, अगर हम और इन्वेस्टिगेट करें तो इसमें ये भी निकल सकता है कि अभी ज्योति सीएनसी ऑटो लिमिटेशन ऑटो कंपनी का प्रेजेंस 17 देशों में है, 17 कंट्रीज दे हैव अ प्रेजेंस एंड प्लस दे हैव मार्केटिंग ऑफिसेस इन कनाडा एंड जर्मनी. I don't know from when and where this development or this progress has begun of this particular company. You know the dates and all. It will be a very interesting investigation. You dig deeper. और भी investigate कीजिए, और भी प्रकाश कीजिए. मेरा आखिरी जो सवाल है, 24 में गुजरात का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, वहां पे जस्टिस जे एन पार्डीवाला, जस्टिस इलेश वोरा, उन्होंने सरकार को जिस भाषा में आलोचना किया, टिप्पणी किया, सब लोग आश्चर्य हो गए. बोला ये सिविल अस्पताल है, ये एक तरह से डंजन है. इट्स एज गुड एज अ डंजन, परहैप्स इवन वर्स, अ डंजन है, एक तरह से कालकोठरी जहां पे जानवर भी नहीं रहते हैं. उन्होंने बोला क्या हो रहा है सरकार का जो है प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता है. बच्चे टाइटैनिक जहाज जैसे डूब रहे थे, ऐसे डूब रहे, इस तरह से भाषा जज ने इस्तेमाल किया और सरकार को बोला आप कुछ कीजिए, आप जवाब दीजिए, यू आर अकाउंटेबल. बड़े बड़े जो दफ्तर जो ऑफिसर्स है, जैसे आपने नाम किया जयंती रवि जी का, और सचमुच क्या स्थिति है देखिए आज अहमदाबाद में. आप तो अहमदाबाद का निवासी है, बुधवार 27 में
4,300 से ज्यादा लोगों का मौत हो गया ये कोविड के बीमारी से, 1.5 लाख से ऊपर केसेस है एकदम, इट इज अमंग द टॉप अर्बन एरियाज इन इंडिया विच हैज बीन इफेक्टेड बाय कोविड। तो यही मेरा आखिरी सवाल है, और आप बताइए अहमदाबाद का जो गुजरात सरकार और गुजरात का जो प्रशासन, उसके बारे में क्या है? वो लग रहा है हमें कुछ कर नहीं पा रहे, and then they seem to be completely incompetent and inefficient. Like, I really appreciate that you use the right though very hard and difficult sounding words for my government, because it is a journalist's job to seek out the truth, and we are Ahmedabad mirror. A mirror reflects the ethos and the ethics of the city. So whether it's good or whether it's bad, we reflect the reality. That is the motto we go by at Mirror. And as you rightly say, there's something very dastardly wrong in Gujarat. Ki abhi Gujarat ki mortality rates, hamare Gujarat ki mortality rates, we are, unfortunately, we have been scudging between number one and number two position with Maharashtra. Maharashtra, hamara death rates, ab dekhiye. Compared to all other states, are like, you know, our treatment figures, our testing figures. We have been changing policies so quickly. We are not giving enough time, you know. So, ये सब दिखाता है कि कुछ coordination की खामियां है, कुछ communication की खामियां है, कुछ competence, कुछ government जो proactive role play करना चाहिए. Instead of leaving it all to Babudam, ये सब lacuna थोड़ी बहुत गुजरात में पाई गई है, जिसके कारण गुजरात की आज की ये स्थिति बनती है कोरोना वायरस की, and it's a very sad, pathetic state here in Ahmedabad. And unfortunately, I would like to end. गुजरात में ये problem इसलिए हो रहा है कि जिनको हमें treatment शुरू करनी चाहिए. At that level, you know, the patient is so bad और उनकी treatment होनी चाहिए, उनको अभी हम test में खड़ा कर रहे हैं. We are that backward. So that is the reason for this high number of patients in Gujarat. And Gujarat, I think Gujarat is made of nice. Gujarat, we have a good intelligentsia. We have a very vibrant civil society. We have very dynamic IS officers and very dynamic politicians also, including those in the BJP. So I wish all of them sit and work out together. This is not the time to compete with each other. It's the time to collaborate for all different government agencies and officers. So rather than playing an upmanship or rather than competing with each other, I just wish that different government agencies and the media and the civil society collaborate with each other and try to bring about a positive curative solution for coronavirus in Gujarat. धन्यवाद, धन्यवाद दीपल जी, हमारा वक्त खत्म हो गया. आपने आपके समय न्यूज़क्लिक का दर्शक को दिया और आपने विस्तार से बताया किस तरह से जाली वेंटिलेटर लोगों के पास एक निजी कंपनी जिसको तारीफ किया गुजरात सरकार, और किस तरह से ये सारे मशीन को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और एक तरह से ये एक बहुत बड़ा घोटाला. और ये जो हम लोग गुजरात मॉडल का बात करते हैं, उसके लिए वी शुड ऑल फील ashamed कि इस तरह से ऐसा एक घोटाला हुई है. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और आप लोग देखते रहिए न्यूज़क्लिक. Thank you.